गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम लोग मेट्रो में दक्षिणेश्वर घूमने जाएंगे और मेट्रो में ये ट्रिप हम लोग को टॉलीगंज से हम लोग ले लिए दक्षिणेश्वर तक, और ये मेट्रो में ही हम लोग जाएंगे। तो दक्षिणेश्वर लास्ट स्टॉपेज है, तो अभी हम लोग टिकट कलेक्ट कर रहे हैं, टिकट ले लिए दक्षिणेश्वर तक का। और ये देखिए टिकट, और हम लोग इसको गेट पास के तरह यूज़ करेंगे और हम लोग अभी जा रहे हैं दक्षिणेश्वर के लिए। तो ये देखिए टॉलीगंज मेट्रो स्टेशन, और बहुत ही शानदार मेट्रो स्टेशन है ये। और ये अभी नया नाम इसका महानायक उत्तम कुमार के नाम से उसको नया नाम दिया जा रहा है। और तो ये ट्रिप हम लोग बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे, तो हम लोग का ये बहुत दिन से प्लानिंग था कि दक्षिणेश्वर घूमने जाएंगे मेट्रो में। तो आज हम लोग फिर मेट्रो में दक्षिणेश्वर के लिए प्लान किए। आ रहा है, तो आप लोग भी व्यूअर्स, आप लोग भी कभी दक्षिणेश्वर जाएंगे तो मेट्रो में जाइए, बहुत ही अच्छा ट्रिप है। अभी तो मेट्रो एसी हो गया है, एयर कंडीशन हो गया है, आगे ये एयर कंडीशन नहीं थे। ये देखिए मेट्रो आ गया, मेट्रो में मेट्रो का फ्रीक्वेंसी भी बहुत है, बहुत मेट्रो आते हैं। ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा क्राउड था एंट्री में, मगर ज़्यादा हम लोग को सफ़र नहीं करना पड़ा क्योंकि लोग उतर जाते हैं स्टेशन में तो पूरा बोगी खाली हो जाता है। ये हम लोग कालीघाट आए हैं, देख सकते हैं कालीघाट स्टेशन। और हम लोग सब कोई अभी खड़े हैं, थोड़ी देर बाद हम लोग बैठ जाएंगे। तो मेट्रो में सफ़र करना बहुत ही अच्छा होता है। तो ये देखिए गुनगुन कैसे मम्मी के साथ में हमेशा रहती है, और मेट्रो में गुनगुन बहुत ही मज़ा कर रही थी, उसको बहुत ही मज़ा लग रहा था और वो घूम रही थी। तो अभी हम लोग थोड़ा सा खाली हो गया जब मेट्रो, तो हम लोग सब अपने सीट में बैठ गए और मेट्रो फिर से अपना सीट पकड़ लिया। और वेदर भी बहुत प्लीजेंट था, बहुत ही अच्छा वेदर था, बाहर में बारिश हो गया था और छांव भी आ गया था, तो हम लोग को ज़्यादा एक्सर्शन नहीं लगा, तो बहुत ही अच्छा वेदर था। आप देख सकते हैं मेट्रो कितना खाली है, और वहाँ पे गुनगुन को और एक छोटा सा फ्रेंड मिल गया, एक छोटा सा बच्चा जो मेट्रो में घूम रहा था, तो उस पर गुनगुन का नज़र आ गया और बस माँ और बेटी दोनों मिल के उसके साथ खेलने लग गए। ये देखिए कैसे खेल रहे हैं, बेबी को देखिए कैसे खेल रही है। तो कुछ लोग हम लोग को देख रहे थे क्योंकि हम लोग वीडियो बना रहे थे, तो ब्लॉगर्स का तो लाइफ आप लोग जानते हैं, आप जब भी ब्लॉगिंग करेंगे तो लोग आपको देखना चालू कर देंगे, बड़ी अजीब से नज़र से देखना चालू कर देते हैं। ये सभी ब्लॉगर्स लोगों को पता है, तो उनको भी पता है कैसे डील करना है, तो कभी कभी बहुत डीमोटिवेटेड लगता है क्योंकि लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या इन लोगों को मज़ा आ रहा है, हाँ मोबाइल पकड़ने में अपने फैमिली के साथ टाइम नहीं दे रहे हैं, हमेशा मोबाइल पकड़ के बैठे रहते हैं। तो ये एक स्टोरी ये ब्लॉगिंग में आपको नज़र आएगा, जो भी जब भी आप ब्लॉगिंग करेंगे तो आपको ये सब चीज़ पता चलेगा। तो अभी हम लोग देख रहे हैं बाहर का बहुत वेदर बहुत ही अच्छा हो गया है, और गुनगुन उस छोटे से बच्चे के साथ खेल रही थी। अभी देखिए हम लोग आ गए हैं दक्षिणेश्वर स्टेशन, और यहाँ पे एलिवेटर्स है, तो
नीचे ऊपर आने के लिए। और यहाँ पे अरबिंदो और जी का स्टैचू है और उनकी माँ का स्टैचू है। और यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है स्टेशन को, उसका कॉरिडोर्स आप लोग देख सकते हैं कि बहुत कुछ डिज़ाइन किया गया है, आर्ट एंड क्राफ्ट। ये कुछ पॉटरी वर्क और कुछ पेंटिंग्स आप देख सकते हैं। और बहुत ही हम लोग को तो बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन इतना डेवलप हो गया है देखकर। तो ये देखकर हम लोग को ये भी पता चलता है कि कुल मतलब वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कितना कुछ करती है, और लोग सिर्फ उनके बारे में इधर उधर नेगेटिव थॉट्स भी लाते हैं। तो आप ये सब अभी हम लोग स्काई वॉक कर रहे हैं, स्काई वॉक से जा रहे हैं, जो एक बहुत ही इनोवेटिव इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर है। तो ये डायरेक्ट आपको मेट्रो से जोड़ देता है दक्षिणेश्वरी मंदिर तक। तो आपको नीचे या कहीं से ऑटो करने का ज़रूरत नहीं है। तो जो रोड था वो रोड के ऊपर से होके ये स्काई वॉक जा रहा है। तो ये सब शॉप जो है, ये सब शायद वही रिहैबिलिटेटेड शॉप्स है जो रोड से उठाए गए जब ये स्काई वॉक बनाया गया। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर उनको एक तो एक जगह भी मिल गया और बहुत अच्छा लैंड और जगह मिल गया। तो ये हम लोग दक्षिणेश्वरी आ गए और यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, तो इसलिए हम लोग को कैमरा बंद करना पड़ा। तो ये हम लोग बाहर से उठाए थे गुनगुन और उसकी मम्मी का। और हम लोग अभी हम लोग के एक रिलेटिव थे उनके घर हम लोग गए थे, तो वहाँ पे गुनगुन देखे, ये एक बेलगछ है, एक जगह है दक्षिणेश्वरी से थोड़ा सा आगे। तो वहाँ पे मेरी वाइफ के रिलेटिव है, तो उनके घर हम लोग गए थे। ये दो बेटियाँ उन्हीं की हैं। और इन लोग गुनगुन के साथ दूध पिला रहे थे बिल्ली को। बिल्ली के चार या पांच बच्चे थे। तो वैसे गुनगुन को बिल्लियां तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो खेलते समय एक औरत अपार्टमेंट से आई और दो बिल्ली उठा के ले गई, तो गुनगुन को बहुत ही दुख लगा और दो रह गए। तो वो बिल्ली भी हम लोग के पीछे पीछे ही आ गए घर तक। तो ये देख सकते हैं उनकी बेटियां। तो टोटल हम लोगों का बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा। और ये कुछ फ़ोटोज़ हम छोड़े जा रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स हम लोग उठाए थे। तो व्यूअर्स हम लोग को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हमारा तीन चैनल है, संदीप दास ब्लॉग, संदीप दास लिविंग, सैंडी बिजी। ये तीनों चैनल आप लोग देख सकते हैं इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। टिल देन बाय बाय।